हिजाब को लेकर हुए हंगामे के बीच वायरल हुई ये तस्वीरें आपको याद जरूर होंगी। तस्वीरों में दिख रही लड़की का नाम मुस्कान है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। लेकिन अब हिजाब विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद गया है। अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी ने इस विवाद पर अपना एक वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि अलकायदा के आधिकारिक मीडिया विंग की ओर से रिलीज किए गए करीब 9 मिनट के वीडियो में जवाहिरी ने मुस्कान खान की तारीफ की है। इस वीडियो को गैर सरकारी काउंटर टेररिज्म संगठन साइट इंटेलिजेंस ने वेरीफाई किया है। दरअसल हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक की कॉलेज स्टूडेंट मुस्कान का बुर्का पहने एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो जय श्री राम के नारे लगा रही भीड़ के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए नजर आई थी। मुस्कान को लेकर अल जवाहिरी ने कहा है, अल्लाह उसे हीन भावना से त्रस्त बहनों को नैतिक सीख देने के लिए पुरस्कृत करे। जवाहिरी अपने वीडियो में मुस्कान की तारीफ करने के लिए लिखी गई एक कविता पढ़ते हुए दिखाई दिया। उसने मुस्कान को बहन कहकर संबोधित किया और इस कविता के बाद जवाहिरी ने उन देशों पर हमला बोला जिन्होंने हिजाब बैन किया है। आपको बता दें कि नवंबर 2021 से जवाहिरी का ये पहला वीडियो सामने आया है, जो एक बार फिर दिखाता है कि जवाहिरी न सिर्फ जिंदा है बल्कि मौजूदा मामलों को लेकर सक्रिय भी है। दरअसल इससे पहले ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाले जवाहिरी की मौत की खबर सामने आई थी। जवाहिरी ने अपने नए वीडियो में भारत में मुसलमानों के दमन का आरोप लगाते हुए उन्हें इसके खिलाफ उकसाने की कोशिश भी की है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कर्नाटक का हिजाब विवाद आखिर पैदा कैसे हुआ। दरअसल 1 जनवरी को उडुपी में एक कॉलेज की 6 छात्राएं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी और उन्होंने हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री करने से रोकने पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने का मुद्दा एक बड़ा विवाद बन गया जब कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल पहनकर आने लगे। इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।